हमारे एस एन एम एन ए सब लोग लगे हुए हैं इस काम में, और ये टीम वर्क है, जब सभी लोग लगेंगे तब ये काम पूरा होने सकता हूँ। और ये लगातार रोज करना है, यानी कि एक बार कर दिया और ये काम खत्म हो गया। रोज प्रॉब्लम आनी है, रोज कूड़ा इकट्ठा होना है, रोज उठाना है, रोज सफाई का अभियान करना है, डेली लोगों को जागरूक करना है। ये अभियान रुकना नहीं है, ये लगातार चलते रहना है, चलते रहना है, चलते ही रहना है। आज 29 फरवरी को जैसा आप सब लोग जानते हैं, नगर निगम रुड़की द्वारा रुड़की में चल रहे स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो पिछले दिनों 2 माह रुड़की में सर्वेक्षण भी चला स्वच्छता को लेकर के, उनके अंदर जिन लोगों की अहम भूमिका रही, जिन्होंने शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास किया, ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ और बैंक जिन्होंने CSR फंड से रुड़की को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान दिया, ऐसे लगभग 30 लोगों को आज स्वच्छता हीरो के नाम से हमने पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। हमारा प्रयास है कि नगर के अंदर जो लोग भी स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं अपने स्तर से, सामाजिक स्तर पर, उनको हम सम्मानित करें, जितना कि और लोगों में भी ये प्रेरणा जाए कि अपना शहर स्वच्छ और सुंदर रहे, जिस प्रकार उत्तराखंड में पिछले 3 वर्षों से रुड़की प्रथम स्थान लिए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष भी रुड़की प्रथम स्थान पर रहेगा, और इसके साथ साथ ऑल इंडिया रैंकिंग जो कि हमारी पिछले वर्ष 250 थी, इस वर्ष शुरू के 10 शहरों में रहने जा रही है, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। रुड़की शहर का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता का संस्कार अपने अंदर लिए हुए है, और बड़ा ही तेज़ी से प्रति व्यक्ति ये सोच रहा है कि रुड़की किसी भी प्रकार स्वच्छता में प्रथम स्थान देश में जल्द ले, और इस ओर नगर निगम रुड़की अपने स्तर से पूर्णतः प्रयासरत है कि अपने शहर को किस प्रकार सुंदर स्वच्छ रखा जा सकता है, कूड़े का निस्तारण किस तरह हो सकता है। सोर्स एरीगेशन यानी कि कूड़े का निस्तारण के लिए भी हम पुरजोर तरीके से लग रहे हैं, इसके लिए शहर के आम नागरिक का हमें सहयोग मिल रहा है और मिलता रहेगा, मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो जिस मिशन को लेकर के चल रहे हैं और जिस काम को उन्होंने खुद हाथ में झाड़ू लगा करके किया है, ये संदेश जाता है कि ये केवल उन्हीं का कार्य नहीं है या हमारे वाल्मीकि समाज की दुहाई है उनका ही कार्य नहीं है, प्रत्येक उस व्यक्ति का कार्य है जो इस संसार में आया है, और सभी को अपने इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए जिस मुहिम को जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मेयर साहब और अपने SMA और मुख्य नगर अधिकारी रूप वर्मा जी का कि ये मुहिम यही नहीं रुकेगी, ये आगे बढ़ेगी और चलती रहेगी। अच्छा काम करेंगे स्वच्छता के ऊपर, इसे नंबर 1 3 साल से हमने बनाया हुआ है टीम वर्क में, इस बार भी हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि एक सैनिक की हमेशा से यही सोच होती है कि उसने जंग को फतेह करना है।